आज किस मुद्दे को लेकर पदयात्रा निकाली गई? आज 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी नमक यात्रा। उस वक्त अंग्रेजों के जो शासन था उस कुशासन के खिलाफ, और आज 12 मार्च है, कांग्रेसियों द्वारा आज वही यात्रा कांग्रेसियों द्वारा निकाली गई है। उस समय गांधी जी के जो नीतियां थी, जो अहिंसा पे चल के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था और देश को आज़ाद करवाया, आज़ादी में एक सहयोग दिया था, उसी तरह उस समय अंग्रेजों का शासन कुशासन था और आज मोदी जी का कुशासन है। जो मोदी जी का कुशासन है उसमें आप देख सकते हो अलग अलग टैक्स, अलग अलग गरीब जो भी गरीब लोग हैं उन पर महंगाई की मार, देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जो आज देश निकाला पूरा गरीब का हो गया है, वो सारा आज मोदी के राज से हुआ है। उसी विरोध में आज हमने अहिंसा पर, जो गांधी जी का अहिंसा का मार्ग, उसी पर चल के आज पद यात्रा की। अंग्रेजों की हुकूमत के समय 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक एक यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा का उद्देश्य था नमक कर के विरोध में, नमक टैक्स नहीं चुकाएंगे उसके विरोध में गांधी जी ने ये एक आंदोलन छेड़ा था। आज यदि बात करें वो 12 मार्च 1930 था, आज 12 मार्च 2024 है, बस आंकड़ों का फर्क है परंतु स्थितियां सेम है। आटे पे टैक्स लग गया, खाटे पे टैक्स लग गया, लस्सी पे टैक्स लग गया, एक आम आदमी की जो मूलभूत सुविधा होती है उस पे टैक्स लग गया। अब वो परिस्थितियां खड़ी हो गई है कि सरकार के खिलाफ हम कहेंगे कि हम इस प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। इसी दिन को हमने पुनः आज़ाद किया और जनता में एक नई तरीके से जागृति देने की कोशिश की है कि सरकार ने टैक्स के बहाने इस देश को लूट लिया, इस देश को उसी तरीके से लेके चल रहे हैं जिस तरीके से अंग्रेज लेके चल रहे थे। अब खूब हो गई इनकी मारामारी खूब हो गई। अब इस मारामारी से हमें बचना है और इस देश को बचाना है, इस देश के गरीब को, मजदूर को, किसान को, महिला को बचाना है। इसी उद्देश्य से इस दांडी यात्रा की स्मृति में पद यात्रा की थी। हरीश चंद्र सोलंकी, साधारण सदस्य, कांग्रेस पार्टी, बाड़मेर। सवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी के नाम से बहुत मशहूर हुआ, गांधी जी ने ठीक 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से 78 स्वयं सेवकों के साथ में उन्होंने जो है दांडी की ओर प्रस्थान किया। करीब 25 दिन यात्रा चली, 390 किलोमीटर की यात्रा तय कर एक पूरे भारतवर्ष में जागृति की। उस समय ब्रिटिश सरकार का नमक के ऊपर बहुत भारी टैक्स था और उस समय एक शेर नमक के ऊपर 1 टका टैक्स था, यानी एक मण के ऊपर 1 रुपया और 4 आना, एक शेर के ऊपर 1 टका, और उस समय व्यक्ति की मजदूरी थी मात्र 1 आना, और उस समय सोने का भाव था 20 रुपये प्रति तोला। तो इस हिसाब से बहुत भयंकर टैक्स था ये, तो अंग्रेज गवर्नमेंट इसका टैक्स था, और उसके बाद में उसकी कीमत अलग से होती थी, इसलिए नमक के लिए बहुत ही घी लेना ठीक था लेकिन नमक लाना बड़ा मुश्किल था। उसमें गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, संघर्ष हुआ, पूरे भारत के अंदर अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और वो स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ा। और सन 31 के अंदर लॉर्ड वॉयसराय इरविन ने जो है महात्मा गांधी से समझौता किया, और उस समझौते के अंदर जो है गांधी जी की मांगे मानी गई और वो 1934 तक जारी रहा, और सवज्ञा आंदोलन का, दांडी मार्च का बड़ा गजब का पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार को भी इसके आगे झुकना पड़ा और भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ।